गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एम्प्लॉयमेंट जैसा कि हमें पता है देयर आर थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज नंबर वन बिजनेस सेकंड वन प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं एंड रिसीव्स रेमुनरेशन और बदले में क्या लेते हैं सैलरी रिसीव करते हैं रेमुनरेशन रिसीव करते हैं उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें लोग दूसरों के अंडर काम करते हैं और बदले में सैलरी रेमनरेशन लेते हैं रेमनरेशन का मतलब सैलरी वेजेस कुछ भी हो सकता है दूसरों के अंडर काम करना और बदले में सैलरी लेना वेजेस लेना फीचर्स क्या होती हैं नंबर वन सर्विस टू अदर एम्प्लॉयमेंट में दूसरों को सर्विस दी जाती है जैसे एक टीचर है वो स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है स्कूल को सर्विस दे रहा है तो सर्विस टू अदर्स एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर को क्या देता है सर्विस देता है सेकंड पर्सनल सर्विस एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ एम्प्लॉय को खुद सर्विस देनी पड़ती है ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस उसके प्लेस पे कोई और सर्विस नहीं दे सकता अब जैसे स्कूल में मैं जॉब करती हूँ तो स्कूल इज एम्प्लॉयर आई एम एम्प्लॉय अब ये तो नहीं है कि मेरे बिहाफ पे कोई मेरा फ्रेंड वो सर्विस देगा नहीं देगा मुझे ही देनी पड़ेंगी। यानी पर्सनल सर्विस एक एम्प्लॉय को ही एम्प्लॉयर को सर्विस देनी पड़ती है एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट में एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन होता है कितनी सैलरी है कितना वर्किंग आवर्स हैं क्या ड्यूटीज हैं क्या काम है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में मेंशन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है तो अभी तक हमने डिस्कस की तीन फीचर्स सर्विस टू अदर्स पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉयर कौन होता है जो काम देता है एम्प्लॉय कौन होता है जो काम करता है फोर्थ फीचर सर्वेंट एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का सर्वेंट होता है वही काम करता है जो एम्प्लॉयर कहता है फिफ्थ फीचर एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की नीड नहीं होती क्यों क्योंकि आप एम्प्लॉय हो आप किसी के अंडर काम कर रहे हो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है नो रिस्क एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता क्यों क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया जब आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो रिस्क भी नहीं होता सेवेंथ और लास्ट फीचर है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर कहते हैं एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है एम्प्लॉयर का नेचर अलग अलग होता है एम्प्लॉयर गवर्मेंट भी हो सकती है एम्प्लॉयर प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है एम्प्लॉयर जॉइंट सेक्टर भी हो सकता है एम्प्लॉयर कोई स्कूल भी हो सकता है एम्प्लॉयर कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है तो एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है तो अभी हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट और उसकी फीचर्स सबसे पहली फीचर क्या थी सर्विस टू अदर्स सेकेंड क्या थी पर्सनल सर्विस थर्ड एग्रीमेंट फोर्थ सर्वेंट फिफ्थ नो नीड ऑफ़ कैपिटल सिक्सथ नो रिस्क और सेवंथ वन इज़ नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयर कि एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल कॉलेज एनी वन कोई भी हो सकता है कोई पर्सन uh, भी हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है कोई ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है